खबर है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से। जी आपको बता दें कि लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन होने से सड़क दुर्घटनाएं मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए शहडोल जिले में एक नई मुहिम की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन DC सागर एवं पुलिस अधीक्षक शहडोल कुमार प्रतीक के द्वारा ई चालान POS मशीन का शहडोल के जय स्तंभ चौक से चालानी कार्रवाई करते हुए शुभारंभ किया गया है। अब शहर के चौराहे पर पुलिसकर्मी POS मशीनों के जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से जुर्माने की राशि वसूल कर सकेंगे। इसके लिए शहडोल जिले में 40 मशीनें आवंटित की गई हैं। इस मशीन में खास बात यह है कि गाड़ी का नंबर और नियम के उल्लंघन की जानकारी फीड करते ही पर्ची निकल जाएगी। इसके बाद नगद भुगतान अथवा ई भुगतान भी लिया जा सकेगा। साथ ही साथ पहले ई चालान काटा है और दूसरी बार फिर नियमों को तोड़ते हुए पकड़े गए तो यह मशीन पुराना रिकॉर्ड भी बता देगी कि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं POS मशीन पर शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें कि इस मशीन में एक सॉफ्टवेयर है, इसके पीछे एक कैमरा भी लगा हुआ है जो मौके की फोटो लेगा, जिसमें ट्रैफिक नियमों की नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक विभिन्न धाराओं और उनके जुर्माने की राशि पर्ची के माध्यम से बताएगा। शहडोल जिला प्रशासन की इस मुहिम से यह तो संभव है कि जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कहीं ना कहीं पुलिस का अब डर बना ही रहेगा, साथ ही साथ उन्हीं नियमों का भी विशेष ध्यान रहेगा। India 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। ई चालान की शुरुआत हुई, क्या क्या खासियत है, स्कैनर भी है, गूगल फोन पे क्या क्या सुविधाएं होंगी? ये सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, ये जनता में एक यातायात के प्रति संवेदनशीलता और अनुशासन लाने के लिए ये चालान की व्यवस्था थी, परंतु उसको एक पारदर्शी रूप में परिवर्तित करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस में माननीय DG साहब के निर्देशन अनुसार ये ई चालान का उद्घोष किया गया पूरे मध्य प्रदेश में और शेड्यूल में ये आज किया गया है। मुझे उम्मीद है कि ई चालान की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से यहाँ चलेगी और लोगों में नियमों का पालन करने का अनुसार आएगा और इससे हम लोगों की जान बचाने में कामयाब। सर, लगातार कुछ जब पुलिस डायरेक्ट पैसा लेती थी तो आरोप लगते थे, एलिगेशन लगते थे कि पैसा किस रूप में जा रहा है कैसा, इसके बाद आ जाए आपको लगता है कि ऐसे एलिगेशन से पुलिस बचेगी? ई चालान का तात्पर्य यह है कि इसमें पारदर्शिता रहेगी और उस पारदर्शिता के रहते किसी भी प्रकार का कोई किसी सामान्य नागरिक को असुविधा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।